Chapter 9, Chapter 10 Biomolecules, Class 11 NCERT, Topic Number 9.3 Biomacromolecules. एक फीचर है जो कि कॉमन है सारे कंपाउंड में, पाया जाता है एसिड सॉल्युबल पूल में, जो कि है वो सबके पास होता है मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 से लेके अराउंड 800 डाल्टन अप्रॉक्सीमेटली. ठीक, जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होता है उसमें चार टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे जो कि है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड्स और लिपिड. ये क्लासेस कंपाउंड का जो है एक्सेप्शन ऑफ लिपिड के साथ है. मॉलिक्यूलर वेट जो इनका इसमें होता है वो रेंज करता है 10,000 डाल्टन से लेके उससे ज़्यादा. यही रीज़न है कि बायो मॉलिक्यूल्स जो कि केमिकल कंपाउंड है फाउंड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो दो टाइप का होता है. एक तो वो कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1,000 डाल्टन से होता है और यूजुअली रिफर्ड किया जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स से और सिंपली बायो मॉलिक्यूल्स. और जबकि एक है जो कि जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाता है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है या फिर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स उसको कहते हैं. जो मॉलिक्यूल्स होता है इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में लिपिड के एक्सेप्शन के साथ उसको पॉलीमेरिक सब्सटेंस कहते हैं. तो क्यों जो लिपिड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट एक्सीड 800 डाल्टन नहीं करता वो आता है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो कि मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन है. लिपिड जो है वो इंडीड अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है और प्रेजेंट बस ऐसे ही नहीं होता लेकिन अरेंज भी रहता है ऐसे स्ट्रक्चर में जैसे कि सेल मेम्ब्रेन और भी अदर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में अरेंज रहता है. बट ऑल्सो अरेंज इन स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन अरेंज रहता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में और भी अदर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में. जब हम लोग कोई टिश्यू को ग्राइंड करेंगे तो हम लोग डिसरप्ट कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर को. सेल मेम्ब्रेन जो है और अदर मेम्ब्रेन वो पीसेस में ब्रोक टूट जाते हैं और फॉर्म करते हैं वेसिकल जो कि वाटर सॉल्यूबल नहीं होते हैं. देयरफॉर जो ये सब मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट होते हैं वेसिकल के फॉर्म में वो सेपरेट होते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल के साथ. और यही कारण है कि मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में वो लोग सेपरेट हो जाते हैं. लिपिड स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है. एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट करता है रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को. मैक्रोमोलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स से जो है बन जाता है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. ठीक, टुगेदर वो सब रिप्रेजेंट करते हैं इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म. साथ में वो लोग रिप्रेजेंट क्या करते हैं इंटायर केमिकल कंपोजिशन किसका, लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म का. ओके, अगर समरी में हम लोग बोलें तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू को फ्रॉम अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू और उसको अरेंज करते हैं हम लोग क्लास वाइज में. तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर जो है मोस्ट अबंडेंट केमिकल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में. ओके, अच्छा ये लाइन क्या था कि द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स से बन जाता है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. टुगेदर ये दोनों रिप्रेजेंट करता है एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ. तो ये टॉपिक इतना ही छुटकु सा था. टॉपिक है 9.3 बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स. ओके.